क्या आप प्राथमिकताएं रहेंगी कृषि मंत्रालय में आपकी? आज मैं अपने मित्र आदरणीय रूपाला जी, जो इस मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, और हमारे दूसरे राज्य मंत्री माननीय कैलाश चौधरी जी, इनके साथ कृषि मंत्रालय का कार्यभार ग्रहण कर रहा हूं। इस अवसर पर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि हम सभी जानते हैं हमारा देश कृषि प्रधान देश है। देश की कृषि फायदे में है तो देश फायदे में होगा, देश के किसान के घर में समृद्धि है तो संपूर्ण देश में समृद्धि होगी। इस अवधारणा के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी काम कर रहे हैं। विगत 5 वर्षों में भी आप सब ने और संपूर्ण देश ने अनुभव किया होगा कि जब मोदी जी ने 2014 में शपथ ग्रहण की थी, तब भी उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार गांव, गरीब और किसानों के लिए समर्पित रही, और पूरे 5 वर्ष तक लगातार उन्होंने इन मुद्दों पर सफलतापूर्वक काम किया, जिसका परिणाम भी जमीन पर परिलक्षित हो रहा है। और अगर राजनीतिक दृष्टि से देखें तो चुनाव के नतीजों में भी वह परिलक्षित हुआ है। दूसरी पारी प्रारंभ हो रही है। कल प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में पहली मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, और पहली मंत्रिपरिषद की बैठक में जो निर्णय प्रारंभ हुए वो किसानों से ही प्रारंभ हुए। पीएम सम्मान योजना में 12.5 करोड़ किसान कवर होते थे, सब लोग चाहते थे कि सभी किसान उसमें कवर होने चाहिए। कल प्रधानमंत्री जी ने उस बंदिश को खोल दिया, और अब देश के सभी किसान, जिनकी संख्या लगभग 14.5 करोड़ होगी, जो इस योजना में कवर होंगे। हमारे किसान बंधु जो छोटे जोत के किसान हैं, वे लोग 60 वर्ष की आयु पूरी करते हैं तो निश्चित रूप से शारीरिक रूप से शिथिल हो जाते हैं, खेत में मेहनत का काम करने का के योग्य अपने को जब नहीं पाते हैं तो उनको अनेक प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना का भी शुरुआत कल किया गया है। यह निश्चित रूप से मोदी सरकार का बहुत ही क्रांतिकारी कदम है। सर, 2022 तक आपको किसानों की आय दुगना करने का चालें? मेरी बात पूरी हो जाएगी, उसके बाद अगर आपका प्रश्न बचेगा तो जरूर करिएगा। प्रधानमंत्री जी ने पिछले कार्यकाल में यह कहा था कि 5 वर्ष में हम किसान की आमदनी को दोगुना करें, और इस दृष्टि से विगत 5 वर्षों में भी अनेक निर्णय हुए। किसान का उत्पादन बढ़े, उसकी उत्पादकता बढ़े, उसको ठीक प्रकार का बाजार
उपलब्ध हो, इसके लिए ईदाम प्रोजेक्ट शुरू किया गया। किसान की फसल में जो लागत आती है उसका 1.5 गुना उसको समर्थन मूल्य मिले, पर्याप्त मात्रा में खाद की उपलब्धता हो, बीज की समय पर उपलब्धता हो, बीज की गुणवत्ता ठीक हो, सॉयल हेल्थ कार्ड सबके किसानों के पास हो, इसके लिए अभियान चलाया गया। और कृषि के क्षेत्र में तकनीक का भी उपयोग हो जिससे किसान उत्पादकता को बढ़ाने में सफल हो सके और अपनी आमदनी में वृद्धि कर सके, इस दृष्टि से प्रयत्न हुए हैं, लेकिन अभी और प्रयत्न करना बाकी है। आगामी 5 वर्षों में किसान के घर में समृद्धि आवे और 5 वर्ष में उसकी आय दोगुनी हो, इस दृष्टि से कृषि विभाग के माध्यम से, भारत सरकार के माध्यम से जो जो आवश्यक कदम होंगे वे सब उठाए जाएंगे। मुझे प्रसन्नता है कि ग्रामीण विकास का काम मैं पहले से देख रहा था, प्रधानमंत्री जी ने भरोसा करके मुझे कृषि विभाग की भी जवाबदारी सौंपी है। मेरी कोशिश होगी कि प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा, देश की आवश्यकता और किसान के कल्याण की दृष्टि से मैं कुछ योगदान कर सकूं, इसका भरसक प्रयास करूं। आपका कोई प्रश्न है सर? जैविक खेत मार्केटिंग को लेकर कोई एक नई नीति बनाने की बात है, क्योंकि आप जिस तरीके से ग्रामीण विकास मंत्रालय में जो आपका काम है उसने पूरी तरीके से ग्रामीण परिवेश का ऑरा चेंज किया, तो कृषि मंत्रालय के लिए क्या योजना रहेगी? देखिए, जैविक खेती भारतीय जनता पार्टी की सरकार की प्राथमिकता पर रही है और पहाड़ी क्षेत्र हो जहाँ हमारे आदिवासी बंधु निवास करते हैं, ऐसे क्षेत्र हों, इन क्षेत्रों में जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जाए, इसको एक अभियान बनाकर कृषि मंत्रालय ने विगत दिनों आरंभ किया था और काफ़ी किसानों को प्रोत्साहन मिला है। लेकिन यह सच है कि इसको मार्केटिंग की व्यवस्था और होनी चाहिए, इस मामले में मैं अधिकारियों के साथ बातचीत करूँगा, इस व्यवस्था को और दुरुस्त और कारगर बनाया जाए, इसका प्रयत्न करें। तो मतलब क्या किसानों की आय दुगनी करने के लिए जो ये जो लक्ष्य रखा गया है उसके लिए कोई टाइमलाइन आप स्टेप बाय स्टेप बनाने का प्रयास करेंगे इस मंत्रालय में? प्रधानमंत्री जी ने 5 वर्ष का समय कहा था और विगत दिनों भी अनेक उपाय किए गए हैं। अब ये 6,000 रुपये का जो इम्पोर्ट है ये भी इस दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कदम है, किसान की सामाजिक सुरक्षा ये भी एक दृष्टि से महत्वपूर्ण कदम है। हम जानते हैं कि फर्टिलाइजर यूरिया की जब जरूरत होती थी तो मारामारी पूरे देश में होती थी, हम लोग ही पूरे 5 साल हर वर्ष गांधी जी की मूर्ति पर बैठकर धरना देते रहते थे कि यूरिया उपलब्ध कराओ, लेकिन मोदी जी ने यूरिया की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता कर दी है और उसमें नीतिगत जो परिवर्तन निर्णय उनको करने से किए उसका लाभ भी आज मिल रहा है। लेकिन 5 वर्ष में ये सब हम कर सकें इसके लिए क्रमबद्ध कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता है, मैं अधिकारियों से आज बात भी करूंगा और उसके बाद इस पर काम करूंगा। सर, बीते 5 साल में प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी एग्रीकल्चर से जुड़ी योजनाएं बनाई, नीतियां लागू की, लैब टू लैंड कौन सारी उनका पूरा फोकस रहा, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसे की जिनमें प्रसार की कमी के चलते किसानों को लाभ नहीं मिला, तो अब ऐसी कोई नई योजना होगी जिससे जो लैब टू लैंड किसानों तक पूरा पहुंचे? देखिए, मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने लगातार हर पात्र व्यक्ति को उसका हक पहुंचे इसका बहुत ही तीव्र गति से प्रयास किया और एक समय था जब कहा जाता था कि दिल्ली से 100 रुपये चलते हैं तो 15 ही पहुंचते हैं, लेकिन अनेक योजनाओं में आप देखेंगे चाहे वो एग्रीकल्चर मंत्रालय की हों, चाहे वो ग्रामीण विकास की हों, चाहे वो अन्य क्षेत्र की हों, अगर केंद्र से 100 रुपये भेजे जाते हैं DBT के द्वारा 100 के 100 रुपये तो वहाँ पहुँचते हैं। लेकिन यह सच है कि हर पात्र व्यक्ति तक सरकार की योजना की पहुँच हो जाए इसके लिए प्रयासों की निरंतरता बने रहना जरूरी है और प्रयासों में नवाचार होता रहे तो उसका लाभ किसानों को भी होगा, देश को भी। सर, फसल का 1.5 गुना लागत, क्योंकि अभी तक जो लाभ मिलना चाहिए जो अपेक्षित था वो नहीं मिल रहा है किसान? नहीं, मैं समझता हूँ कि जो राज्य खरीद करने में रुचि रखते हैं, जो राज्य
किसान के हित को प्राथमिकता पर रखते हैं, वो राज्य में समर्थन मूल्य पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है। अगर राज्य की विल कमजोर होगी तो निश्चित रूप से कहीं कहीं दिक्कत जा सकती है। हम मध्य प्रदेश में काम करते थे एक जमाने में, केंद्र के पूल में गेहूं मध्य प्रदेश का आए, इसमें मध्य प्रदेश की गिनती नहीं होती थी। 15 साल तक वहाँ भाजपा की सरकार रही तो हम सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाले राज्य बने, किसान कर्मण पुरस्कार लेने वाले राज्य बने और सबसे अधिक खरीद वहाँ पटवारी से लेकर और चीफ सेक्रेटरी तक और मुख्यमंत्री तक सबने मिलकर की, तो किसान को उसका फायदा मिला। ठीक है, धन्यवाद।